मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश की दिन भर की कुछ बड़ी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। लंबे समय के बाद राजस्थान के लिए खुशखबरी आई है। राजस्थान में आज कोरोना से बड़ी राहत मिली है क्योंकि प्रदेश में आज मात्र 4,414 नए संक्रमित केस दर्ज हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 16,654 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि चिंता का विषय यह है कि मौत का आंकड़ा अभी भी 100 के ऊपर है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 103 लोगों की जान चली गई है। और एक अच्छी खबर यह भी है कि प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 1,00,000 से नीचे आ गई है। प्रदेश में अब 99,875 कोरोना के कुल एक्टिव केस बचे हैं। और अच्छी खबर यह भी है कि प्रदेश के कई जिलों में रिकवरी रेट बढ़ चुकी है और जिन इलाकों में संक्रमण की दर कम है वहाँ लॉकडाउन में 1 जून से कुछ छूट मिल सकती है। माना जा रहा है कि सप्ताह भर में रिकवरी रेट और बढ़ जाएगी। ऐसे में बहुत से जिलों में हालात सामान्य होने के आसार है। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि दर्जन भर जिलों में लॉकडाउन में कुछ छूट मिल सकती है। और सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर यह है कि लंबे समय के बाद राजधानी जयपुर में आज 1,000 से कम केस आए। पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर में 804 नए मामले सामने आए हैं। और अब खबरें यह भी आ रही है कि 1 जून से वापस चुनिंदा सेक्टरों को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। कम भीड़ भाड़ की संभावना वाली दुकानों को सबसे पहले खोलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का भी जिक्र हो रहा है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में अलवर, दौसा बीते 10 दिनों में जो आंकड़े सामने आए हैं वह लगभग तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं। और इसी वजह से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने, विशेषज्ञों ने तीसरी लहर को लेकर पहले ही चेता दिया है। इसीलिए अब सबको सावधानी बरतने की खास जरूरत होगी। इस वजह से आने वाले दिनों में सरकार फूंक फूंक कर कदम रखने वाली है। तो यही थी प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।